चढ़ रहे हैं ऊपर। और भैया पहले कौन सा स्टॉपेज है हमारा, पहले कौन सा जगह जाएंगे हम? पहले हम जाएंगे डबियन। डबियन हम चल रहे हैं घोड़े पर, पीछे मेरे चार साथी है और आगे का नजारा देखो कितना शानदार, वाह मजा आ गया यार। ये काफी रिस्की लग रहा है घोड़े पर फोन यूज करना। हाँ यहाँ पर किसकी शिकारी होती है यहाँ पर? शेर की। यहाँ शेर है अभी भी? ऊपर है। और राजा महाराजा उनका शिकार करते थे यहाँ डबियन में। बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह, मजा आ रहा है। यहाँ पर घोड़ों से आया जाएगा गम्बूट्स बनाकर। ब्रो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड ब्रो? हाँ सब जगह से ले लो भैया, भैया फोटो ले रहे हैं हमारी। अभी कश्मीर वैली में और पूरी बर्फ की पहाड़ है ये। हाँ मिनी स्विट्जरलैंड ऊपर है भाई, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा मिनी स्विट्जरलैंड। बसेरा नाम है ना उसका, बसेरा मिनी स्विट्जरलैंड, बसेरा मिनी स्विट्जरलैंड। और यहाँ से व्यू देखिए जनाब, बहुत ही ज्यादा ठंड है। हाँ भाई फोटो ले ले, फोटो लेते हैं भाई सर। हाँ घोड़ा चलाना सीख गए हैं दो, पिछले दो दिन में। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर? मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। सो गाइज वी आर एट मिनी स्विट्जरलैंड और जगह का नाम है, भाई जगह का क्या नाम था? बैसारा, बैसारन, बैसारन मिनी स्विट्जरलैंड। और यहाँ का व्यू देखिए आप, वो बाइक हमें दिखी थी स्नो बाइक हमें दिखी थी, लेकिन वो अभी यहाँ पर चलाने दे नहीं रही गवर्नमेंट। और ये बॉल है, इसमें कोई चढ़ना चाह नहीं रहा है क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं यहाँ पर। और भाई ये सही में स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग दे रही है। गिरोगे दो फीट से, गिरोगे नीचे। चल चल 200 फीट। कहते हैं सरसों कभी हाथ से गिरनी नहीं चाहिए वो, क्योंकि वो बिखर जाती है, इंसान गिरे वो थोड़ा बिखर जाएगा। गाइस वी आर लिविंग पहलगाम और अब हम चल पड़े हैं श्रीनगर की ओर। बीच में हमने एप्पल वैली में खाना भी खा लिया, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन खाना हमने खाया है।
पेट भर के खाया है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से हमें मिल रहा है। ये सारे एप्पल के पेड़ हैं। Just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the button, drive real far. Put that red. श्रीनगर और पहलगाम के बीच में ये लोटस सैफ्रन एंड ड्राई फ्रूट की दुकान, वहाँ पर हम उतरे शॉपिंग करने, कुछ सामान खरीदने, केसर और यही सब। देखते हैं अंदर आके क्या क्या है। तो केसर के बारे में आप लोग देखिए, पहली बात जो केसर होता है ये बनता है वर्ल्ड में तीन जगह, ईरान, स्पेन और कश्मीर। जो पूरे कश्मीर में केसर बनता है सर, वो बनता है 8 किलो दायरे में। जिस पुलिस पे भी आप लोग बैठे हुए हो, पर्टिकुलरली केसर इसी गांव में बनता है, और किसी जगह पे केसर नहीं बनता है। पूरे इंडिया में, पूरे कश्मीर में खाली 8 किलो दायरे में केसर बनता है। वो जो प्लेस है वो इसको बोलते हैं लता पोरा टू पापोरा। इसका जो फूल होता है वो ऐसे होता है, 3 इंच का लंबा सा फूल होता है, इसमें 6 पत्तियाँ होती है। कितना सर? 6 पत्ती। जो ये चीज़ होता है सर, इसमें हम क्या कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे इत्र बनाते हैं, वो सारी चीज़ जो यहाँ पे है लाल पत्ती, ये केसर है, ठीक है। इसमें 3 पत्तियाँ होती है। इसकी जो 3 पत्ती होती है, अगर इसको प्योरिटी होती, अगर कोई बोलेगा प्योर केसर कैसे पता चले, आप लोगों को कैसे पता चलेगा प्योर केसर कैसे होता है, इसमें से 1 या 2 पत्ती लेना है सर। आगे वालों दांत से चबाइए, हल्का सा कड़वापन आना चाहिए। अगर कड़वापन नहीं आया, समझो वो शुद्ध सैफ्रन नहीं होता है, वो डुप्लीकेट होता है। दूसरी बात क्या है, अगर हमें किसी पानी में रखेंगे, ये पानी में घुलना नहीं चाहिए, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर ये पत्ती पानी में डिजॉल्व होगी ना, वो सैफ्रन नहीं होता। ये जो पत्ती है ये कभी डिजॉल्व नहीं होती है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, ये पत्ती देखिए ये लाल कलर की है, लेकिन एरिडे का कलर पीला। अगर इसने लाल ही लाल कलर छोड़ा, समझो वो डुप्लीकेट है। अगर इसने यही कलर छोड़ा ना, वो डुप्लीकेट। अगर घर में सफ़ेद सा कपड़ा होता है, अगर हम उस पर कभी लाल कलर करेंगे ना, जब उसको धोते हैं हम लोग, उस पर वही कलर निकल जाता है जो उस पर हम लोग चढ़ाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन ये पत्ती देखिए ये लाल है, ये पीला कलर छोड़ी। अगर आप 1 महीना भी रखोगे ना पानी में ये, लेकिन अपना कलर छोड़ता रहेगा, लेकिन पत्ती वैसे की वैसी रहना चाहिए। अगर ये पत्ती खत्म हो गई, वो डुप्लीकेट होता है। आप ये सर खा के देखे, कड़वापन देखो आएगा कि नहीं आएगा, आप भी देखिए। और आपको लेना है सर? नहीं, मैं उसमें से लेता हूं। अपना हाथ दीजिए, एक पत्ती लीजिए अपने हाथ में। कावा पी लो, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कावा कश्मीरी चाय, अपना हाथ दीजिए। हमको लेके जाना है ये। तो सर आप कुछ भी, आपके लिए रखा है सारा कुछ, सर ठंडा पानी, ये उतना ठंडा नहीं है सर, ये घिसोंगी से, अब ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अगर आप अभी शिकारी पे जाओगे ना, शिकारी पे आपको 50 ग्राम 100 ग्राम लेकिन वो क्या होगा, उसको क्या करते हैं, वो आप ऐसे करते हैं ना, वो लेकिन फेक होता है, आपको पता नहीं चलेगा शुद्ध केसर को क्या। बहुत सारे आप पहलगाम है, गुलमा है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एक चीज दिखाते हैं दूसरे देते हैं, वो किसी को समझ में नहीं आएगा। अब ये लगता है सर हार्ट के लिए, ये लगता है आंखों की रोशनी के लिए, ये लगता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लगता है स्किन के लिए, मतलब बच्चे अगर किसी को कैंसर हो तो उसके लिए होता है, या हार्ट अटैक के लिए होता है। ये हर रोज 1 कप दूध लेना है, उसमें से इतना सा लेना है, 3 या 4 पत्ती 1 कप दूध ले, जब उसमें डाला उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद वो दूध पी रहे हैं। खुदा न खास किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इंशाल्लाह इससे दूर रहता है। लेकिन अगर रेगुलर यूज करें तो आप, अभी आपने यूज किया फिर कल यूज नहीं करोगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेगुलर यूज करने, हर रोज यूज करना है सुबह सुबह, ठीक है सर। लेकिन इसको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज से बाहर रखना है, जितना ये ड्राई रहेगा उतना बेहतर रहता है। इसकी जो लाइफ है वो 25 ईयर्स 25 साल इसकी लाइफ है सर। ये चीज कभी खराब नहीं, लेकिन ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए, गीले हाथ से टच नहीं करना है, जितना ड्राई उतना बेटर। उसके बाद शिलाजीत, ये क्या काम थी, मैं बताऊंगा।
नहीं शीला जी तुम्हें नहीं चाहिए भैया, आपको नहीं चाहिए मैं बताओ, ये नहीं शादी नहीं हुई हमारी, इसकी शादी के लिए नहीं, इसके लिए नहीं होती है। अच्छा ये जो शिलाजीत होता है ये होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन हर्ब्स, जो पहाड़ होता है ना सर उसका पसीना होता है। आप क्या पता है कैसे चलेगा शुद्ध शिलाजीत कड़वा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कड़वा। आपको एक कप दूध लेना है सोने से एक घंटे पहले, उसके बाद उसमें डालना ही है इतना सा गोली बना के, ये डिजॉल्व होगा उस दूध में, गर्म दूध में। जब ये डिजॉल्व होगा उसके बाद वो दूध आपको पीना है, चाहे सर जॉइंट पेन हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे शुगर डायबिटीज, चाहे एनर्जी सर, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम, या हम लोग दिन में काम करते हो हमें वीकनेस आती है उस चीज़ के लिए होता है। लेकिन ये एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना, इतना सा गोली बना के एक कप दूध में डालना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे जॉइंट पेन हो, चाहे शुगर डायबिटीज, चाहे एनर्जी, चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम, चाहे नी पेन या आर्म पेन, या दिन में हम लोग काम से करते हैं। ये कावा का मसाला है, आई नो तुमसे, ये कावा का मसाला है। हाँ आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच डालना है पानी में, ये पाउडर शेप आती है, एक चम्मच डाला पानी में, पानी चार मिनट बॉयल करना है, ऊपर से चीनी या हनी डाल सकती हो गया कावा रेडी। ठीक है सर, हो गया कावा। ये देखिए वॉलनट ऑफ एप्रिकॉट, ये ऑलमंड ऑयल, बादाम का तेल, ये कावे का क्या फायदा है, ये सर खांसी हो, फेवर हो, चेस्ट के लिए अच्छा होता है, इससे बड़ी में ये सबसे अच्छी है, इससे बड़ी में सर यही ले लो, दो तीन दो दे दो, कोई नहीं मैं देता हूँ अभी, मैं बताऊंगा फिर आप बोलो क्या क्या चाहिए सर, मैं पहले सभी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद। ये बादाम रोगन, बालों को लगाए सर, इससे बाल नहीं झड़, इसे मसाज भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो, मजबूत रहेंगे, लेकिन जो है वो रहेंगे, जो है वो बच जाएंगे, जो है वो बच जाएंगे भाई, सूरज ले ले। ये बाल स्क्रब है, ये सर चेहरे पे लगाना है, चेहरा 10 मिनट रब करना है, उसके बाद चेहरा धोना है, उसके बाद ये क्रीम यूज करनी है, चाहे सर एंटी एज हो, चाहे डार्क स्कल हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे काले दाग होते हैं ना, ये चीज से निकल जाते हैं। ये हमारे पास गुलकंद है सर, ये चेस्ट के लिए अच्छा होता है, खांसी वासी होता है ना बलगम के लिए, गुलकंद के लिए। हाँ गुलकंद, ये सब्जी का मसाला है, सब्जी का कोई भी सब्जी बनाते हैं ना, वेज नॉन वेज किसी भी मिक्स कर सकते हो। देखिए ये हमारे पास सैफरन हनी है, फ्रीजर में रखना है सर, फ्रीजर में रखोगे ना ये जमेगा नहीं, अगर ये जम गया ना सर वो डुप्लीकेट, शहद कभी जमना नहीं चाहिए, जम गया वो डुप्लीकेट है, फ्रीजर में नहीं जमेगा, ये फ्रीजर में नहीं जमेगा वो भी सर। ये सर लहसुन है, ये बीपी मेंटेन करता है, बीपी के लिए अच्छा होता है, हाई बीपी को मेंटेन करता है, लो बीपी को आपको ये मेंटेन, ये बराबर रखता है सर, ये बराबर रखता है हमेशा, किसी को हाई होता है उसको नॉर्मल रखता है, लो होता है उसको नॉर्मल रखता है। ये ब्लैक बेरी है, क्या है ये, लहसुन गार्लिक। हे गाइस, we have reached श्रीनगर और मैंने एक कावा टी लिया है और मेरे फ्रेंड ने काफ़ी कुछ ख़रीदा, सुरोज ने, आयुष ने काफ़ी कुछ ख़रीदा है और काफ़ी अच्छी दुकान है, आप लोग चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। और अभी यहाँ पर बज रहे हैं लगभग 8 और पूरा मार्केट बंद हो चुका है, श्रीनगर पूरा बंद हो चुका है, यहाँ पर अब कुछ नहीं मिल रहा, नीचे एक दो तुक्के दुकान खुले होंगे तो खुले होंगे पता नहीं। और कल हमारा प्लान है गुलमार्ग जाने का, सुबह 7 बजे उठ पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जाना तो है किसी भी कीमत पर, क्योंकि कह रहे हैं कि जो हमारे हमें सनी भैया लेके आए ड्राइवर जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि काफ़ी लेट हो जाएगा अगर हम 7 बजे नहीं गए तो सुबह गुलमार्ग, और काफ़ी कुछ मिस कर देंगे हम। हम यहाँ से निकलेंगे सुबह 7 बजे तो पहुँचेंगे लगभग गुलमार्ग 9:30 बजे तक, और उसके बाद हम सिकारा पर जाएंगे और नॉर्मल श्रीनगर का मार्केट घूमेंगे, फिर जहाँ तक है नेक्स्ट डे हम जम्मू, और 26 मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हमारी वापस ट्रेन है कोलकाता की, तो देखते हैं, देखा जाए तो कल का दिन है, और बस दैट्स इट। वैसे इस होटल में हमारा 2 रूम है, एक सेकंड फ्लोर पर है, एक थर्ड फ्लोर पर है, मैं थर्ड फ्लोर पर हूँ मेरे फ्रेंड सूरज के साथ, और काफ़ी ठंड है, मुंह से धुआं निकल रहा है मेरे रूम में बात करते हुए, कल तो पहलगाम में मेरे नाक से सांस जब मैं छोड़ रहा था तब भी नाक से धुआं निकल रहा था,
ज़बरदस्त ठंड थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे पहलगाम घूम के। मेरे इनफैक्ट मेरे सभी दोस्तों को मज़ा आया। और यहाँ मतलब होता है ना ऐसा कि कुछ लोगों के वजह से पूरी सिटी बदनाम हो जाती है, वही यहाँ का कहानी यहीं की कहानी है वो। तो खैर यहाँ घूमने आ सकते हैं हम और एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो अब मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के साथ खाने। धुआं बहुत है ना, गर्म पानी से ना के आना भाई। पूरा गर्म पानी, ठंडा पानी मिलाया नहीं। हाँ पूरा गर्म पानी से जलानी की स्किन। तो चलो मैं आप सबसे कल मिलता हूँ गुलमार्ग में। बाय बाय, टेक केयर।